नमस्कार जी, आज हम आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे ईसीजी कैसे किया जाता है। सुनील शर्मा जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका ईसीजी अभी करने जा रहे हैं और ये मिस्टर भरत सिंह है, ये आपको इलेक्ट्रोड्स लगाने में हमारी मदद करेंगे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये ईसीजी मशीन है। मैं देखिए इसको घुमाती हूँ, ये इस तरह से है। अभी इसमें हमने पेशेंट का नाम डाला हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। क्लोजअप पे दिखाइए, इनका नाम सुनील शर्मा डाला हुआ है ना। हाँ जी, तो ये इनका नाम है और इनकी उम्र 56 हम डाल चुके हैं। ठीक है, अभी इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि हमने इलेक्ट्रोड्स नहीं लगाए हैं। ये जो है तार है, ये पेशेंट का पूरा रिकॉर्ड यहाँ से एंटर होगा और यहाँ से प्रिंट आउट निकलेगा। ठीक है, और ये डिफरेंट डिफरेंट लीड्स हैं, जैसे मैंने कहा था चेस्ट लीड्स होती हैं। ये मैंने जली लगा के रखी हुई है। अब आप ये देख सकते हैं इन पे आप लिखा हुआ है, जैसे ये V1 लिखा हुआ है, ये V2 लिखा हुआ है, ऐसे इसमें मेंशन किए होते हैं नंबर। तो आपको सिर्फ यहाँ स्टिक करना होता है। ये करिए, ये V1 यहाँ पे लगाएंगे और V2 लेफ्ट साइड पे इंटरकॉस्टल स्पेस 4th, ठीक है, नियर द स्टर्नम, और V3 ये मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है। अब आके V4 V5 V6 V4 अब ये V4 जो है 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में है, मिड क्लेविकुलर लाइन में, और V3 ऑब्लिक लाइन में बिटवीन V2 एंड V4 है। ठीक है, अब ये एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में है V5, ये यहां लग गया, और मिड एक्सिलरी लाइन में V6। ठीक है, ये हमने आपने देखा जेल लगाया है क्योंकि जेल भी एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, प्लस ये चिपकने भी चाहिए अच्छे से स्किन पे, उसके लिए हम जेल का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लेंगे लिम लीड्स। अब ये आप देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ है राइट आर्म, मेंशन भी होता है। ठीक है, कुछ पुराने जो ईसीजी हैं उनमें ना कलर कोडिंग होता है। ठीक है, अभी ये कलर कोडिंग नहीं है, इसमें लिखा हुआ है मेंशन। तो ये हम राइट आर्म की जगह ये हमने जली लगाई, रिस्ट पे लगा सकते हैं, और जब हम इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं तो हम उसको शोल्डर पे लगाते हैं राइट साइड पे, जो हमारे पास इलेक्ट्रोड थे ना, जैसे ये है। जब हम ये लगाते हैं तो यहाँ पे लगा सकते हैं इसको, इसमें यहाँ नहीं लगाना होता उस समय, यहाँ और लेफ्ट वाले को यहाँ। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी इक्वी डिस्टेंस से उतना ही रिकॉर्ड करेगी, यहाँ से भी रिकॉर्ड कर लेगी इलेक्ट्रिसिटी राइट आर्म की, यहाँ से भी रिकॉर्ड कर लेगी, और सिमिलरली लेफ्ट आर्म की वहां से भी कर लेगी। अब जैसे किसी का सपोज यहाँ पे बैंडेज है, हम यहाँ भी लगा सकते हैं इलेक्ट्रोड, जहां हमें प्लेसमेंट की जगह मिलेगी वहां लगा देंगे। तो राइट पाँव में लगाइए आप, ये देख लीजिए राइट पाँव का एंकल के पास लगेगा, लेफ्ट में लगाइए, और राइट आर्म, सॉरी लेफ्ट आर्म। तो आप देख लीजिए सारे पाँव में और हाथों में लग चुका है। जो राइट फुट वाला है ये होता है न्यूट्रल। ठीक है, और जो ये लेफ्ट लिम्ब है और ये लेफ्ट आर्म है और ये राइट, तो ये चार लिम्ब लीड्स लग गई हैं, और ये जो छह हैं ये चेस्ट लीड्स लग गई हैं। ठीक है, तो अब ये पूरा है। अब देखते हैं कुछ ग्राफ आना शुरू हुआ क्या ईसीजी में, ये देख लीजिए। अभी कुछ नहीं था, अब जब हमने कनेक्ट किया तो ये ईसीजी रिकॉर्ड होना शुरू हो चुका है पेशेंट का, है ना। और अब आप ध्यान से देखिए इसमें, अब मैं यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे लीड्स लिखी हुई यार, ये लीड 2 है, ये V1 है, ये V5 है। मैं यहाँ से लीड्स बदल भी सकती हूँ देखने के लिए, ये देखिए लीड 1 है, ये लीड 2 है, लीड 3 है ना, फिर ये AVR है, AVL है, AVF है, ये 6 लीड्स हो गई लिम लीड्स, और फिर V1, V2, V3, फिर V4, V5, V6, ये हो गई चेस्ट लीड्स। अब मैंने देख लिया सब सेट है, अब मैं ईसीजी का बटन प्रेस करूंगी। अब ये स्टिलेट सब मूव करके ग्राफ रिकॉर्ड हो गया है, अब मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। अब ये देखिए सेव कर रहा है,
और अब ये यहाँ से कागज मूव करेगा, स्टिलेट मूव करेगा और ये यहाँ से प्रिंट आउट निकला। देखिए है ना मैजिक, हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड हो गई एक पेपर के ऊपर। ठीक है, अब हम इसको, मैं फिर से बताती हूँ, देखिए बिल्कुल क्लोजअप दिखाइए इसका। ये अब हमारा 12 डीसीजी रेडी है। अब आप ऊपर नाम देख सकते हैं, मिस्टर सुनील शर्मा। अब आप लीड्स दिखाइए, लेके जी प्लीज क्लोजअप दिखाओ। ये लीड वन, ये देखिए आपको लीड वन दिखेगी, लीड टू, लीड थ्री, ये लिम लीड है, एवीआर, एवीएल, एवीएफ, ये भी लिम लीड है, फिर V1, V2, V3, चेस लीड, V4, V5, V6, ये भी चेस लीड्स है। तो इस तरह ये आपका पूरा ईसीजी का ग्राफ रेडी है। तो जो 1, 2, 3 AVR, AVL, AVF है, ये लिम लीड्स हैं और V1, 2, V6 चेस लीड्स हैं, और 1, 2, 3 ये जो हैं इनको अपन बाइपोलर लिम लीड्स बोलते हैं, क्योंकि इनमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। और जो AVR, AVL, AVF है, ये ऑगमेंटेड वोल्टेज राइट, ऑगमेंटेड वोल्टेज लेफ्ट और ऑगमेंटेड वोल्टेज फुट है, ये यूनिपोलर लिम लीड्स हैं। इनमें एक ही इलेक्ट्रोड रहता है और दूसरा इलेक्ट्रोड जो होता है वो इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड है या जीरो पोटेंशियल का इलेक्ट्रोड है, जो कि सेंटर ऑफ द हार्ट में होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।